हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। रानी हैड रुपीज़ 18.50, शी बॉट वन आइसक्रीम फॉर रुपीज़ 11.75, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। तो रानी के पास 18.50 रुपीज़ हैं और वो एक आइसक्रीम ख़रीदती है 11.75 रुपीज़ की। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे? तो उसके पास 18 रुपये थे, 18.50 रुपीज़ थे एंड देन 11.75 उसने खर्च कर दिए। तो हम सबट्रैक्ट कर देंगे 18.50 में से 11.75 को, ठीक है। सबट्रैक्ट करके हमें पता चल जाएगा कि अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से करेंगे। इनिशियल अमाउंट विद रानी, रानी के पास पहले कितने पैसे थे? 18.50 रुपीज़। मनी स्पेंट ऑन आइसक्रीम, आइसक्रीम पे कितने पैसे खर्च हुए? 11.75 रुपीज़। अब मनी लेफ्ट कितना है उसके पास? 18.50 में से 11.75 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप चाहो तो ऐसे साइड में ना सब्ट्रैक्शन करके भी दिखा सकते हो। 50 में से आप 11.75 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐसे आप दिखा सकते हो। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, इधर हो जाएगा 14 एंड देन इधर 7 आ जाएगा। इधर से हमने कैरी लिया तो इधर बचेगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप और 6 नहीं बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो 6.75 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर रानी हैज़ रुपीज़ 6.75 नाउ। तो आप साइड में सब्ट्रैक्शन करके दिखा देंगे तो वो बेटर रहेगा और फिर आप लिख दीजिएगा कि रानी के पास अब रुपीज़ 6.75 है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।